चलो देखते हम अगला सवाल क्या है क्वेश्चन से फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ए ऑन अनदर बॉडी बी इज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द बॉडी तो आपका जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन ओनली वी कैन कंक्लूड दैट हमारा पहला ऑप्शन है सर्फेस मस्ट बी फ्रिक्शन दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज इज जीरो तीसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल टू दैट ऑफ फ्रिक्शन चौथा है बॉडी मे बी रफ बट दे डोंट स्लिप ऑन ईच अदर और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं नाउ स्नैरियो देखें कि ये आपकी एक बॉडी ए उसको आपने रखा दूसरी बॉडी के ऊपर बी के ऊपर नाउ इस सिनेरियो में यहां पे हमें दिया हुआ है कॉन्टेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन अदर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स नाउ जो नॉर्मल आपका जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं नेट कॉन्टेक्ट फोर्स उसकी वैल्यू हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर नाउ इसकी वैल्यू अगर आपके नॉर्मल के बराबर है आपका एन सी एफ नॉर्मल के बराबर है विच एम्प्लाइज इसका तात्पर्य है कि फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो तभी आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपके एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की जो वैल्यू है उसमें एन स्क्वायर के अंडर रूट यानी एन के बराबर है ना इस वैल्यू को आप समझना है यहाँ पे आ, पहला आपका ऑप्शन है सरफेस बस भी फ्रिक्शन लेस ना फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स जीरो है तो देट डज नॉट मीन सर्फेस इज आपकी फ्रिक्शन लेस है इसका मतलब ये भी हो सकता है ये ऑप्शन सही नहीं होगा इसका मतलब ये होगा कि नेट फोर्स जो है वो आपका आगे की डायरेक्शन में दे आर नॉट स्लिपिंग ऑन नीच अदर तो अगर ये आगे मूव करने लगेगा तो पीछे आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे मूव करेगा तो आगे फ्रिक्शन फोर्स आएगा फ्रिक्शन फोर्स जीरो है इसका मतलब है हो सकता है वो आगे पीछे मूव करने की कोशिश ना कर रहा हो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशियंट जीरो है ऐसी बात हम कंक्लूड नहीं कर सकते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज इज जीरो नाउ ये ऑप्शन सही होगा आपका अभी हमने देखा एफ की वैल्यू जीरो है थर्ड ऑप्शन कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल टू दैट ऑफ फ्रिक्शन नाउ ये ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड जो है नॉर्मल uh, और फ्रिक्शन का बराबर होगा ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज फ्रिक्शन जीरो है नॉर्मल uh, जरूरी नहीं है जीरो ठीक है ऑप्शन फोर कहता है बॉडीज में बी रफ बट दे डोंट स्लिप ऑन अदर नाउ ये भी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं बी और डी दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थ्री जो है आपका बी एंड डी दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम